हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 15 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है चुनकर सेलेक्ट करके दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया है, वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देर बिना किए हुए। क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर। दोस्तों, आईआईटी कानपुर के द्वारा यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आईआईटी कानपुर ने एक अल्ट्रावायलेट यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है, जिसका नाम, जिन्हें दूर से व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षण ने यह साबित कर दिया है कि अपने पूर्ण संचालन में डिवाइस लगभग 15 मिनट में 10x10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। और हाल ही में आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी भी विकसित किया था दोस्तों। और आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर जो है प्रोफेसर अभय करंडीकर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है। हाल ही में बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमांग अमीन। ये आपके सामने है हेमांग अमीन, जिन्हें बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट में सारा जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, जो कि ऑप्शन बी में है, राहुल जौहरी। और उनका इस्तीफा बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने स्वीकार कर लिया था। अब चलिए, यहाँ बीसीसीआई का बात आए तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान समय में सौरभ गांगुली, और सेक्रेटरी हैं जयसा, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और स्थापना किया गया था दिसंबर 1928 को दोस्तों। वाइस प्रेसिडेंट है माहिम वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में वीजा ने वीजा सिक्योर यानी वीजा सुरक्षित लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ पार्टनर किया है यानी साझेदारी किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, फेडरल बैंक के साथ दोस्तों। फेडरल बैंक के साथ वीजा ने वीजा सिक्योर लॉन्च करने के लिए साझेदारी किया है। आइए महत्वपूर्ण पार्ट में जानकारी आगे दे देता हूँ। वीजा भुगतान प्रौद्योगिकी के एक वैश्विक नेता ने बैंक के कार्ड धारकों के लिए वीजा सुरक्षित लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है, वीजा सिक्योर दोस्तों। तो वीजा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है जो उपभोक्ताओं को त्वरित और घर्षण रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करती है। अब आइए, यहाँ फेडरल बैंक का बात आया है तो फेडरल बैंक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, MD एंड CEO है फेडरल बैंक लिमिटेड के श्याम श्रीनिवासन, और हेडक्वार्टर है फेडरल बैंक का अलुभा में दोस्तों, और स्थापना किया गया था 23 अप्रैल 1931 में। अब चलिए ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। पहले है दोस्तों SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 में, और चेयरमैन है वर्तमान समय में रजनीश कुमार। अब चलिए PNB की बात कर लेते हैं दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, MD एंड CEO है SS मल्लिकार्जुना राव, और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। चलिए HDFC बैंक देख लेते दोस्तों। HDFC बैंक, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही है, MD एंड CEO है आदित्य पुरी, और टैगलाइन है वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड। और दोस्तों SBI का टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है रोको टोको अभियान को। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, यह अभियान क्या है। मध्य प्रदेश सरकार रोको टोको के रूप में एक अद्वितीय अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के साथ राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क वितरित करेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य है। अब चलिए, यहाँ मध्य प्रदेश का बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं, और हाल ही में मध्य प्रदेश से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं वो भी जान लेते हैं। तो सबके सामने आ गया मध्य प्रदेश, जिसका राजधानी है भोपाल, स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1956 को, राजकीय पशु है 12 सिंघा, और राजकीय पक्षी है दूधराज।
राजकीय वृक्ष है बरगद, विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। और जिलों की संख्या है मध्य प्रदेश में 50 दोस्तों। उच्च न्यायालय है जबलपुर में और भारत का सर्वाधिक अफीम उत्पादक वाला जिला है जो कि मंदसौर है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। यहाँ कुल 46 प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, उनमें से सबसे ज्यादा है गोंड दोस्तों, उसके बाद भील, मरिया, बैगा, कांबर और कंकाड़। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया एवं पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है दोस्तों, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है 42%। मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा भी गुजरता है, और ऐसे तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 8 राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए मध्य प्रदेश में जो भी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण है और सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि सारा का सारा राष्ट्रीय अभियान और उद्यान जो है मध्य प्रदेश में एग्जाम में पूछा गया है सारा, चलिए वो देख लेते हैं दोस्तों। कान्हा जो कि मध्य प्रदेश में ही है, बांधवगढ़, माधव, फौजिल जो कि बीबीआई है दोस्तों, पन्ना ये भी बीबीआई है, संजय, सतपुड़ा सब पूछा गया एग्जाम में, वन विहार और पेंच। मध्य प्रदेश ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है। अब चलिए करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों रोजगार सेतु अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने कुशल श्रमिकों के लिए, और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। और हाल ही में कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश ने भी ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश ने थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया था दोस्तों। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान भी शुरू किया है दोस्तों। बहुत सारा क्वेश्चन बना है हाल में करंट अफेयर्स का मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश ने इंतजार आपका अभियान भी शुरू किया था दोस्तों, कल ही या परसों मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का अनावरण भी किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड जिसका राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। जिलों की संख्या 13 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या उत्तराखंड में 3 है। अब चलिए राजस्थान देख लेते हैं जिसका राजधानी है जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कालराज मिश्र, राज्य दिवस मनाता है 30 मार्च को, जिलों की संख्या है 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या राजस्थान में 10 है। अब चलिए लास्ट में केरल देख लेते हैं दोस्तों, जो कि भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है, और केरल का एक जिला है एर्नाकुलम जिसका साक्षरता दर 99.2% है, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला है एर्नाकुलम। चलिए केरल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसका राजधानी है थिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनारी विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, जिलों की संख्या 14 है, विधानसभा 140 है, लोकसभा 20 है, राज्यसभा 9 है। अब चलिए मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया दोस्तों भारत का मैप, और देखिए मध्य में है मध्य प्रदेश जो कि आपका उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है, इधर गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ भी अपना सीमा बनाता है मध्य प्रदेश दोस्तों। अब मध्य प्रदेश का बात आया है तो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान है दोस्तों, ये आपके सामने है मध्य प्रदेश से सटा हुआ है राजस्थान। राजस्थान जो है दोस्तों भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है दोस्तों, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गुजरात के साथ भी राजस्थान अपना सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ तो बनाता ही है, उत्तर प्रदेश के साथ भी बनाता है, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ। अब चलिए उत्तराखंड देख लेते हैं, ये आपके सामने है दोस्तों उत्तराखंड जो कि चीन के साथ अपना सीमा बनाता है, नेपाल के साथ भी अपना सीमा बनाता है, दिल्ली के साथ भी अपना सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ भी अपना सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है उत्तराखंड। अब चलिए लास्ट में देख लेते हैं केरल दोस्तों, ये आपके सामने है दोस्तों केरल जो कि कर्नाटक के साथ और तमिलनाडु के साथ अपना सीमा बनाता है, और केरल के नीचे है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा इतना जानकारी, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाता है मगर जानकारी फुल मिलता है दोस्तों, बहुत सारे स्टैटिक भी क्लियर हो जाते हैं और बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है एक्स्ट्रा नॉलेज दोस्तों, जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिल सकता इतना एक्स्ट्रा नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं, हाल ही में पोलैंड का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है, यानी पोलैंड के राष्ट्रपति कौन फिर से नियुक्त किए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आंद्रेजेज डुडा। आंद्रेजेज डुडा ये आपके सामने है दोस्तों, जिन्हें पोलैंड का फिर से राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं आंद्रेजेज डुडा। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं,
आंद्रजेज डूजा को पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट हासिल करने के बाद जीत हासिल की, जिसमें विपक्षी उम्मीदवार उदारवादी वार्सा मेयर रफाल ट्राजाकोस्की को हराया, जिन्हें 48.79% वोट मिले। अब चलिए यहाँ पोलैंड के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो कैपिटल ऑफ पोलैंड यानी पोलैंड का राजधानी है वर्साव और मुद्रा है पोलैंड का पोलिस जलोटी और प्रधानमंत्री है मातियुज मोरविकी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन मैंने आपके लिए अच्छा क्वेश्चन लाया है, सिलेक्ट करके क्वेश्चन लाया है, तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जो लोग पहली बार आए हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में मोहन बगान रत्न से किससे सम्मानित किया गया है? आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन में। मोहन बगान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, सी और डी दोनों, यानी गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी। ये आपके सामने दोस्तों पलाश नंदी और ये है आपके सामने गुरुबख्श सिंह, दोनों को मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। एटीके मोहन बगान क्लब के अनुसार हॉकी के दिग्गज गुरुबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी इस साल के मोहन बगान रत्न प्राप्त करेंगे। क्लब ने इस साल 29 जुलाई को महामारी के कारण प्रथागत मोहन बगान दिवस समारोह आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। 1911 में 29 जुलाई को मोहन बगान की IFA शील्ड जीत की तारीख थी, जब उन्होंने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। भारत की 1975 की विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य अशोक कुमार को प्रणव गांगुली जो कि फुटबॉलर थे दोस्तों और मनोरंजन पोरेल जो कि एथलेटिक्स थे के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। चलिए दोस्तों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। हाल ही में वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा। वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर के सिवान, डायरेक्टर है दोस्तों इसरो के, ये आपके सामने हैं डॉक्टर के सिवान, जिन्हें वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इसरो के प्रमुख डॉक्टर कलासवा दीबू सिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वान कर्मन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह पुरस्कार मार्च 2021 में पेरिस में दिया जाएगा। कहां दिया जाएगा? पेरिस में मार्च 2021 में। 2019 में चार्ल्स एलाची ने पुरस्कार प्राप्त किया था। तो दोस्तों 2019 में वान कर्मन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो चार्ल्स एलाची दोस्तों, चार्ल्स एलाची, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। यह पुरस्कार थियोडोर वान कर्मन के नाम पर रखा गया है दोस्तों, इस पुरस्कार का नाम थियोडोर वान कर्मन के नाम पर रखा गया है, जो एरोस्पेस इंजीनियर थे और विशेष रूप से वायु गतिकी में अपनी प्रमुख प्रगति के लिए जाने जाते थे। 1982 में स्थापित विज्ञान में उत्कृष्ट आजीवन उपलब्धियों को पहचानने हेतु प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो दोस्तों 2019 में दिया गया था चार्ल्स एलाची को, यह भी याद रखिएगा, और 2020 में डॉक्टर के सिवान नामित किए गए हैं। अब चलिए इसरो का बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को और डायरेक्टर है डॉक्टर के सिवान। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ को हाल ही में एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुरजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए तैयार किए गए मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित IT संस्थान एलिट्स टेक्नो मीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है।
अब चलिए यहाँ छत्तीसगढ़ का बात आया तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ और इससे हाल ही में जो क्वेश्चन बने होंगे करंट अफेयर्स के वो भी बता देता हूँ। ये आपके सामने आ गया छत्तीसगढ़, जिसका राजधानी है नया रायपुर। अब नया रायपुर का नाम बदल करके कर दिया गया है अटल नगर। आपको नाम चेंज से भी अगर वीडियो देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। राज्य छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है बिलासपुर में। जिलों की संख्या 16 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 11 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। चलिए राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। कुटरू जो कि बस्तर में है, इंद्रावती बस्तर में है और कांकेर। प्रमुख जनजातियां हैं भील, अंगारिया। दोस्तों भील पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ का है तो छत्तीसगढ़ का है। अंगारिया, आंध्र, बैगा, भैना, भूमिया, बिरहोल, गोंड, ये भी पूछा गया है। गोंड जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का भी है और छत्तीसगढ़ का भी है। मोगिया, छत्री और साबरा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे जिनका निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। छत्तीसगढ़ से होकर के कर्क रेखा भी गुजरता है और ऐसे तो कर्क रेखा कुल भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। वो है आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। अब चलिए करंट अफेयर्स देखते हैं जो छत्तीसगढ़ से हाल ही में बने होंगे। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है और छत्तीसगढ़ में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू हुई है और ये क्वेश्चन दोस्तों VBI है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है दोस्तों महाराष्ट्र, जिसका राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और जिलों की संख्या है 35, विधानसभा है 288, विधान परिषद है 278, लोकसभा है 48 और राज्यसभा है 19। चलिए पंजाब देख लेते हैं, जिसका राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर। जिलों की संख्या पंजाब में है 17, विधानसभा सदस्यों की संख्या 117, लोकसभा सदस्यों की संख्या 13 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है पंजाब में। अब चलिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप और ये देखिए दोस्तों आपके सामने है महाराष्ट्र जो कि गुजरात के साथ अपना सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, तेलंगाना के साथ और कर्नाटक के साथ और गोवा के साथ अपना सीमा बनाता है महाराष्ट्र। और इधर है महाराष्ट्र के नीचे अरब सागर दोस्तों। अब चलिए छत्तीसगढ़ देख लेते हैं, जिसका क्वेश्चन था दोस्तों ये आपके सामने है छत्तीसगढ़ जो कि झारखंड के साथ, उड़ीसा के साथ अपना सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ, महाराष्ट्र के साथ तो बनाता ही है, मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। अब चलिए पंजाब देख लेते हैं, ये आपके सामने है पंजाब दोस्तों जो कि पाकिस्तान के साथ अपना सीमा बनाता है, राजस्थान के साथ अपना सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ अपना सीमा बनाता है पंजाब। चलिए इतना जानकारी काफी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किसे पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के पलानी स्वामी। दोस्तों के पलानी स्वामी ये आपके सामने है जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में, के पलानी स्वामी, जिन्हें पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है और ये क्वेश्चन VBI है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए स्टार मार्क लगा लीजिएगा दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलानी स्वामी ने रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथी के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को एक लेपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। वे पॉल हैरिस फेलो पदक खरीदने के लिए भी प्राप्त हैं। दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी इंटरनेशनल है होल्गर क्नैक। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं और प्रमोद सावंत जो कि गोवा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक के पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक शीर्षक के पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार रस्किन बॉन्ड 20 जुलाई को ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं। यह रस्किन बॉन्ड के साहित्य करियर के 17वें वर्ष को चिन्हित करेगा। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह लुकिंग फॉर द रेनबो टिल द क्लाउड्स रोल बॉय 2017, कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 के बाद उनकी सस्मरण श्रृंखला की चौथी पुस्तक है। इसमें रस्किन बॉन्ड के जीवन की कहानी को दिखाया गया है जब वह 16 साल के थे और लेखन शुरू की थी।
तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख ले हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा, स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।